सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। सो गाइज, ये तो हमको पता ही है कि इवलन और आइस स्क्रीम इन दोनों गेम्स में बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब जो रॉड है वो इवलन का बेटा है, ये हमको पता ही है। एंड इवलन काफ़ी बार आइस स्क्रीम के किसी ना किसी चैप्टर में फीचर हो चुकी है, ये भी हमको पता है। बट यहाँ पर मिस्टर मीट का इवलन से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में अभी क्लियरली हम में से किसी को कुछ नहीं पता। बस एक ही हिंट मिला है हमें, जो कि है मिस्टर मीट के हाथ में बना वो SM का टैटू। SM के टैटू को देखकर ही ऐसा लगता है कि SM का मतलब सिस्टर मेडलाइन है, एंड सिस्टर मेडलाइन से मिस्टर मीट का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वेल, कल की वीडियो में कैपलेरियंस वाले इसी रास्ते पर्दा उठा सकते हैं, जो कि है कैपलेरियन फाइल्स वीडियो। कैपलेरियन फाइल्स में जिस पिक्चर की मिस्ट्री कैपलेरियंस वाले सॉल्व करने वाले हैं, वो पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बीच में एक आदमी बैठा है जो कि एक खड़ूस सी शक्ल का है, एंड ये ऑफकोर्स हमारा मिस्टर मीट है, जिसकी शक्ल देख के हम ये चीज़ पता कर सकते हैं आराम से। पर इसके साथ जो है, एक इसकी डॉटर है एंड एक इसकी वाइफ है। बट ये मिस्टर मीट की डॉटर और वाइफ, क्या ये मिस्टर मीट की डॉटर और वाइफ ही हैं, या फिर ये इवलन और उसकी बेटी है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि इवलन और उसकी बेटी ही असल में मिस्टर मीट की वाइफ हो? क्या इवलन ही मिस्टर मीट की वाइफ है? एंड जब कल ये स्टोरी क्लियर हो जाएगी ना, तो उसके बाद रास्ता खुल जाएगा इवलन के चैप्टर 3 का, या फिर चैप्टर 2 में एक नए अपडेट का। एंड ऑल्सो आइसक्रीम 7 की स्टोरी भी काफी ज्यादा हमें समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है आइसक्रीम 7 में। और तो और, मिस्टर मीट 2 की स्टोरी भी इसी के हिसाब से चलेगी। यानी ये दो मिस्ट्री जब क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद काफ़ी सारे गेम्स जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। यानी मिस्टर मीट 2, इवलन चैप्टर 2 या 3, एंड आइस स्क्रीम के आने वाले चैप्टर, इनकी स्टोरीज भी आगे बढ़ जाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मिस्टर मीट 2 में हमको मिस्टर मीट के बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाएगी, तो उससे पहले ये जो पिक्चर है, हो सकता है ये एक हिंट हो उसी मिस्टर मीट 2 का। सेकंड, इवलन में जो अपडेट आया है जिसमें नजरत के बारे में बताया गया है, उसमें अभी नजरत के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया गया, तो ये जो मिस्ट्री सॉल्व होगी, हो सकता है उसके बाद इवलन और नजरत के बीच में क्या कनेक्शन है उनका भी और ज़्यादा हमें पता चले आगे चल के। एंड थर्ड एंड लास्ट, यहाँ पे इस मिस्ट्री को सॉल्व होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जोसेफ सॉलिवन का क्या कभी मिस्टर मीट से कोई कनेक्शन रहा था, या फिर जोसेफ सॉलिवन और इवलन कैसे मिले, इसके बारे में भी हमको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो यस, कल की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होगी ही, बट उसी के साथ काफ़ी सारे राज से पर्दा भी उठ जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।